केरला स्टोरी 5 मई को रिलीज होने वाली है। 2 मई को फिल्म के मेकर्स ने फिल्म की स्क्रीनिंग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में की है। फिल्म के रिलीज होने से पहले ही विवाद शुरू हो गया। इसी को लेकर फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल शाह ने कहा है कि फिल्म देखने से पहले ही तय हो जाता है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। दिए गए इंटरव्यू में द केरला स्टोरी के प्रोड्यूसर ने कहा है, मुझे लगता है कि जब लॉजिकल बहस खत्म हो जाती है तो ये कहना बहुत आसान होता है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। जो भी यह कह रहा है कि प्रोपेगेंडा फिल्म है, उसमें से किसी ने भी इस फिल्म को अभी देखा नहीं है। ये फिल्म देखने से पहले ही तय हो जाता है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। ये 3 लड़कियों की कहानी है। इसमें एक अफगानिस्तान की जेल में है, एक ने खुदकुशी कर ली, एक वो जो गैंगरेप होने के बाद अंडरग्राउंड है। फिल्म की हर एक लाइन सच्ची है, हम हर एक चीज का प्रमाण दे सकते हैं। विपुल शाह ने आगे कहा, ये बहुत दुख की बात है कि हमें सिक्योरिटी लेकर घूमना पड़ रहा है। हमें पता है कि जेएनयू में विरोध हो रहा है, लेकिन फिर भी हमने जेएनयू में फिल्म को स्क्रीनिंग किया। विपुल अमृतलाल शाह ने भले ही ये कहा है कि हम हर चीज का प्रमाण दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ प्रमाण उन्होंने पेश नहीं किया है। पहले फिल्म का टीजर भी 32,000 लड़कियों के विक्टिम होने की बात कर रहा है। सबूत मांगे जाने के बाद ट्रेलर से उनका जिक्र गायब हुआ। साथ ही यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी 32,000 वाली बात हटा दी गई। फिल्म प्रोपेगेंडा है या नहीं, इस पर डिबेट होती रहेगी, लेकिन एक बात तो बिल्कुल सत्य है, फिल्म मेकर सबूत देने की महज बात कर रहे हैं, देख कोई नहीं रहा।